हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन। इसको अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च 2018 को इसको लॉन्च किया गया था। इस स्कीम को मतलब इस डेट को दो स्कीम लॉन्च की गई थी। एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो 22 मार्च 2015 को जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारम्भ किया गया था, तो उसका एक्सपांशन किया गया। ठीक है, उसका तो एक्सपांशन किया गया। इसके अलावा नई जो मिशन लॉन्च किया गया था वो कौन सा था? राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो ये जो अभी हाल ही में जो 8 मार्च 2018 को अभी इंटरनेशनल वुमेन डे, तो आपके इस डेट को ये लॉन्च की गई थी। तो इस वजह से आपके SSC 2018 में जो CGL और CHSL का डिस्क्रिप्टिव पेपर होने जा रहा है, तो उसमें लेटर और ऐसे का टॉपिक आने का चांस रहेगा। तो इस वीडियो में अपन इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी स्टार्ट टुडेज दिस टॉपिक। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा, मैं हूँ नीरज गलुत नामदेव, और अभी तक आपने हमारा चैनल नॉलेज विद नामदेव को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस स्कीम को जो इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था, कहाँ पर? झुंझुनू राजस्थान, जो राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। और सारी चीज़ मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। वैसे ऑन द ओकेजन ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन डे ऑन 8 मार्च 2018 द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन या नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ठीक है, एंड एक्सपांशन ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कवरिंग ऑल 640 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री एट मेगा इवेंट हेल्थ एंड झुंझुनू राजस्थान। बस यही चीज़ बताई मैंने, इसको लॉन्च किया गया था। इसके अलावा जो एक्सपांशन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले स्कीम इसको लॉन्च की गई थी, अब इसका एक्सपांशन कर दिया गया इसी डेट को। ठीक है, और आपको इसमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है? एक तो इसको लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च 2018 को, कहाँ पर? झुंझुनू के राजस्थान में। ठीक है, और इस वीडियो में अपन ओनली नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के बारे में ही बात करेंगे। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अलग टॉपिक है, पहले लॉन्च किया गया था और इसका एक्सपांशन किया गया था। इसके अलावा और कुछ बताने लायक इसमें है नहीं। ठीक है, और साथ ही इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, इसके टाइम और मनी की। अब इसमें टाइम कितना है वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन हैज़ बीन सेटअप विथ अ 3 ईयर बजट। अब बजट कैसे? जैसे कि 8 मार्च 2018 को इसकी स्कीम को लॉन्च किया गया था, किस लिए? जब 2018 का जो फरवरी में बजट रखा गया था, तो उस बजट के तहत इसको जो आगे वाले 3 साल है, जो आगे वाले 3 ईयर है, उसमें कंप्लीट करने के लिए इसका एक ऑब्जेक्ट रखा गया कि आगे वाले 3 साल में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें मनी का कितना खर्चा आएगा? 9,46,17 करोड़। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये अमाउंट, और दूसरा 3 ईयर में इसको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, कहाँ से? 8 मार्च 2018 से आगे वाले जो 3 साल आएंगे उसमें कंप्लीट कर दिया जाएगा इसको। अब इस मिशन के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे, तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता देता हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ तीनों पॉइंट्स। द मिशन हैड टारगेट टू रिड्यूस अंडर न्यूट्रिशन एंड लो बर्थ वेट, जो जन्म के समय बच्चे जो कम वजन होता है। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूट्रिशन पोषण में असंतुलन चल रहा है बच्चों में, उसको कम करने का इस मिशन के तहत काम किया जाएगा। दूसरी चीज़ क्या की जाएगी? इट आल्सो एम टू ब्रिंग डाउन दी एनीमिया एमंग यंग चिल्ड्रन वुमेन एंड एडोलेसेंस गर्ल्स। जो ये तो चिल्ड्रंस वुमेन और एडोलेसेंस गर्ल में एनीमिया रोग होता है, तो उसको कम करने का इसी मिशन के तहत काम किया जाएगा। ये पॉइंट्स आपको ये लिखना होंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसमें ये जो 3 है वही ऑब्जेक्ट है और डेटो आपको वही लिखना है। आप याद करो या रट्टा मारो कैसे भी करो, ये चीज़ देखनी आपको। थर्ड पॉइंट है, स्ट्राइव टू रिड्यूस द प्रिविलेंस ऑफ स्टनिंग। स्टनिंग मीन्स होता है बोनापन। जब बच्चे पैदा होते तो उसमें क्या कोई हार्मोन या कोई विटामिन वगैरह पोषक तत्वों की कमी की वजह से जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसमें क्या बोनापन आ जाता है, वो बच्चे लंबे नहीं हो पाते हैं। तो ये जो भारत में है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है अभी बोनेपन की, तो वो किस वजह से हो रही है, कौन से हार्मोन से है जिसकी कमी है, तो मतलब बच्चे के जन्म के समय कौन से हार्मोन उसको बच्चे के कमी के टाइम दे दिया जाए ताकि वो बोनेपन से जूझ लाना पड़े जब बड़ा हो जाए, तो वो सारा इस स्कीम के तहत किया जाएगा। तो वापस एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ, वैसे पॉइंट थोड़े डिफिकल्ट है। एक तो रिड्यूस द अंडर न्यूट्रिशन एंड लो बर्थ वेट, एक तो वजन कम होता है उसको सुधार किया जाएगा। इसके अलावा इम्बैलेंस पोषक तत्व है
उसको भी मतलब अच्छे पोषक तत्व मिले इसके लिए इसमें प्रावधान किया जाएगा, एनीमिया रोग कम किया जाएगा, इसके अलावा जो बौनापन है उसमें किस वजह से हो रहा है उसको भी खत्म करने का इसमें काम किया जाएगा। अब जो ये थ्री ऑब्जेक्ट्स मैंने बताया तो उसको कंप्लीट करने के लिए एक क्या मतलब अपने काम का एक फॉर्मेट उस उन बजट्स बजट में फिक्स किया है, तो वो क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से इसमें ऑब्जेक्ट रिसीव किए जाएंगे, इसमें पूरे कंप्लीट किए जाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके लिए ये करेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्टेट फॉर मीटिंग द टारगेट, मतलब जो स्टेट्स हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि इस टारगेट को पूरा किया जाए, मतलब एक तरह से राज्य को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो इस ऑब्जेक्ट्स को कंप्लीट किया जाए कंप्लीट करें। इसके अलावा इनिशिएटिव आंगनवाड़ी वर्कर फॉर यूजिंग आईटी बेस्ड टूल एलिमिनेट रजिस्ट्रेशन बाय आंगनवाड़ी वर्कर, अब जो ये आंगनवाड़ी वर्कर हैं तो उनको क्या आईटी बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जो नई टेक्नोलॉजी है उसके तहत कुछ टूल्स दिए जाएंगे, कुछ मशीनरी दी जाएगी जिससे कि वो जो न्यूट्रिशन और कम वेट के बच्चे हैं तो उनका वेट का वजन कर सके, इसके अलावा किस पोषक तत्वों को कितनी मात्रा में दे, तो वो सारी इसके तहत मिशन में होने वाला है। इसके अलावा क्या करेंगे, इंट्रोड्यूसिंग मेजरमेंट ऑफ हाइट ऑफ चिल्ड्रन एट आंगनवाड़ी सेंटर, सोशल ऑडिट सेटअप न्यूट्रिशन रिसोर्स सेंटर इन्वॉल्विंग मास थ्रू दी जन आंदोलन फॉर देयर पार्टिसिपेशन और न्यूट्रिशन थ्रू दी वेरियस एक्टिविटी अमंग अदर। अब क्या चीज़ है ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ आपको, जो आंगनवाड़ी वर्कर सेंटर होंगे उसमें ये व्यवस्था की जाएगी कि वो सोशल ऑडिट करें, मतलब किस टाइप के जो महिलाओं में कौन सी कमी है और किस रोग को ज़्यादा हो रहा है जिस वजह से बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं, तो वो चीज़ देखी जाएगी। इसके अलावा सेटअप न्यूट्रिशन रिसोर्स सेंटर, जो पोषक तत्वों के सेंटर है उनको भी मतलब इसके तहत स्थापित किया जाएगा ताकि वो बच्चों को और मतलब उसकी मदर को पोषक तत्वों के बारे में एक अपनी राय दे सके और कौन कौन से पोषक तत्व है उनको प्रोवाइड करवा सके। इसके अलावा क्या है, इसको जन आंदोलन के थ्रू जोड़ दिया जाएगा, कौन सा जो पोषक तत्वों का है ये तो नॉर्मल पब्लिक कर सकती है, तो मतलब जन आंदोलन में इसके प्रति जागरूकता कर ली जाएगी। तो अब इसी पॉइंट को आपको थोड़ा एक्सपांड करके आप अपने लैंग्वेज में लिखना है आपके लेटर और जो ऐसे टॉपिक आएगा, तो बस मतलब इस तरीके से ये टारगेट पूरा करेंगे। ठीक है, अब इस स्कीम में और कुछ बताने लायक है नहीं, बस यही जो मेन पॉइंट्स थे आपको सारे बता दिए मैंने, इसी को एक्सपांड करके अपने लैंग्वेज में लिखना है। इसके अलावा ये जो आपके मेरे हिसाब से लेटर में टॉपिक आ सकता है, क्योंकि ऐसे में अगर कोई टॉपिक देगा तो वो बड़ा टॉपिक देगा, अब इसमें क्या करेगा वो या तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभी अभियान उसका एक्सपेंशन किया गया था वो और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इन दोनों को शामिल करके एक टॉपिक दे देगा आपको ऐसे के रूप में, या लेटर देगा तो आपको ओनली नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पे दे देगा, क्योंकि इसमें मतलब पॉइंट वगैरह 150 वर्ड इजीली लिख सकते हैं, तो इस तरीके से आपके लेटर में आने का ज़्यादा चांस रहेगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और देख लेना इस, और वैसे आपको ये कोई प्रॉब्लम आगे जाके क्रिएट ना हो उसके लिए मैंने एक चीज़ आपके लिए ये लाई, वैसे थोड़ा स्लाइड ऐसी इस टाइप की है तो मैं थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ आपको। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने झुंझुनू से दो बड़े अभियान शुभारंभ किया गया है, यहाँ से देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के दूसरे चरण और 9000 करोड़ के राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई। तो ये जो पॉइंट्स है इसमें भी ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए कि इसको कब लॉन्च किया गया था, 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। ठीक है, और झुंझुनू से इसको मतलब राजस्थान के झुंझुनू जिला है वहाँ से इसको मतलब स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दूसरे चरण का एक्सपांशन किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आपके 22 जनवरी 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसका एक्सपांशन कैसे किया गया था, जब ये लॉन्च की गई थी तो इसमें मात्र 161 जिले थे, उसी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं को लागू किया गया था। तो अब ये जो वो उस टाइम किया गया था, अब जो 8 मार्च 2018 को जो राष्ट्रीय पोषण मिशन स्टार्ट किया गया था तो उसी के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक्सपांशन कर लिया गया। वो एक्सपांशन किस तरीके से किया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 714 नए जिले शुरू किए गए थे जो अभी तक 161 जिलों में चल रही थी। बस ये चीज़ है जो ये आप भले याद रख सकते हो, 161 जिलों में पहले थी और अभी कितने 714 जिलों में और लागू कर ली गई, तो एक तरह से एक्सपांसर हो गया। और तो कुछ है नहीं इसमें बताने लायक,
तो सारे पॉइंट्स मैंने इससे रिलेटेड सारे इस वीडियो में, एक ही वीडियो में सारे आपके क्लियर कर दें, दोनों जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, इसमें कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे इसके वीडियो मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।